नीलेश, तुम बता सकते हो तुम्हें क्या चीजें बॉदर कर रही है अपनी लाइफ में? माय रिलेशनशिप विद माय गर्लफ्रेंड जानवी. व्हाट अबाउट इट एग्जैक्टली? वी यूज्ड टू बी द स्टीरियोटाइपिकल लवबर्ड्स, बट सिंस द लास्ट ईयर वी जस्ट आर्ग्यू. बट आई डोंट अंडरस्टैंड, तुमने एग्जीबिशन जाना क्यों छोड़ दिया? कुछ छुपा रहे हो? बस अब मन नहीं करता. आई नो हाउ यू फील, यू शुड गो आउट मोर ऑफन, इट विल हेल्प. मेरी मेंटल हेल्थ की चिंता तुम मत करो, तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है. अब ये मेरी गलती है, तुम्हारी केयर कर रही हूं इसलिए बोल रही थी. मुझे तुम्हारे झूठी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है. फाइन, मुझे भी कोई शौक नहीं है एक लूजर को पैम्पर करने का. आई एम लीविंग फॉर वर्क, ये तुम्हारे आर्टिस्टिक गंदे की शाम तक साफ कर देना. वी आर्ग्यू अ लॉट. अरे मेरे छूने से तुम्हें क्या हो जाता है? अब तो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा. Is it because of something in the past that's resurfacing? No. It's of the present. Something that happens every day, even now as a matter of fact. So you doubt that she's cheating on you? Doubt? यकीन है मुझे. तो आपने उन दोनों से बात करने की कोशिश की? सही कहा आपने, मैं उनसे आज ही बात करता हूँ. वैसे नीलेश, ये जानवी बता रही थी तू कॉफी बहुत बढ़िया बनाता है, हमारे लिए कब बनाएगा? इन द मोस्ट काम वे आई कैन. हाँ बताता हूँ. अपने जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करना चाहिए, अपने दिल के अंदर की आग अंदर ही मत रहने दो, वरना वो तुमको जला कर रख देगी. चीटिंग इन अ रिलेशनशिप, क्या इसको लाइटली लेना चाहिए? मेरे साथ जो हुआ वो तो कई लोगों के साथ होता है, बट डज दैट मेक इट ओके? पुलिस, कोर्ट, ये सब तो मेरा साथ नहीं देंगी. लोग तो मेरा मजाक उड़ाकर चले जाएंगे, मेरे पास और कौन सा चारा बचता है? खुद की जान लेना या